स्पास्मो हील टैबलेट, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। एक पेन किलर है, तो क्या इसका डोज होता है, किस तरह की समस्या में दिया जाता है, कैसे इसका बेनिफिट मिलता है, कैसे इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। तो पहले हम जानते हैं स्पास्मो हील टैबलेट के बारे में। तो स्पास्मो हील टैबलेट जो है एक हीलिंग फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 10 टैबलेट का है। कॉस्ट जो इसका है वह 60 रुपया, जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल है, ड्रोटावरिन एक है और दूसरा मैफेनिक एसिड है। ये दोनों ही पेन किलर है और रिलैक्स करते हैं मसल्स को। तो अब बात करते हैं इसे कब देना चाहिए, कब लेना चाहिए आपको। जैसे कि अगर आपको पेट में दर्द है, जिसमें जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं हमारा पेट ऐंठ के दर्द हो रहा है, तब इसे दिया जाता है। या जैसे कि अगर आपको पेट में क्रैम्प हो रहा है तब इसे दिया जाता है, पीरियड वाला दर्द होता है तब इसे दिया जाता है। या जैसे कि आपको पेट में, जैसे कि गैस्ट्रिक वाला पेट में दर्द हो रहा है तब इसे दिया जाता है, यानी पेट में फ्लोटिंग है और उसके बाद आपको उसकी वजह से दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो मोस्टली इसका जो यूज हो जाता है वह जैसे सडन दर्द हो रहा है, खींच के दर्द आपको दर्द हो रहा है पेट में, तब इसे दिया जाता है। इसका जो डोज रहता है ट्वाइस डेली डोज रहता है। मोस्टली इसे 5 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर आपकी समस्या 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है, 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, तो डॉक्टर आपको बोलते जब दर्द रहेगा तभी लेने का, नहीं है तो मत लेने का। तो अगर आप इसे ले रहे हैं तो चबाए नहीं, क्रश नहीं करें, डायरेक्ट पानी के साथ में निकले। और कोई डोज मिस कर जा रहे तो सिंगल डोज फॉलो करें। अगर डोज ले रहे 10 मिनट के बाद उल्टी आ जाए तो सिंगल डोज रिपीट कर लें। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाई गई है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से अगर आप इसे लेते हैं तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको उल्टी आ सकती है, जी में चला सकता है आपका, जैसे बार बार बाथरूम जाने का मन करेगा, आपका सीने में दर्द हो सकता है, मुँह में पानी की कमी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और जैसे कि आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि आपको खाना भी भूख भी कम लग। तो अगर आप इसे ले रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करते। अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्टर ने आपको कब दिया था, क्या बेनिफिट मिला, आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो।